पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान गुजरात च भंगड़े पा रहे ने, वधिया गल है। गरबा भी नाल कीता, कोई एतराज नहीं, पर मुख मंत्री जी दा ए डांस वेख के उन्हां दा एक पुराना बयान याद आया। 15 फरवरी 2022 नूं आज तक दा एक सम्मेलन से जिथे उस वक्त दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भंगड़ा पाया, भगवंत मान जी नूं भी किया गया, तो उन्होंने अगो ये जवाब दिता। भगवंत जी कहते हैं कि पंजाबी तो ढोल की थाप सुन के ही नाचने लगते हैं। जिस दिन पूरा पंजाब भंगड़ा करेगा ना, उस दिन करेंगे। जदों पंजाब भंगड़ा पावेगा, मैं उदों भंगड़ा पावांगा। हुण मुख्यमंत्री जी दे भंगड़े दा मतलब असी तां इह समझ रहे हां कि जदों पंजाब मुड़ लीहां ते आवेगा, जिवें आम आदमी पार्टी वाले कहिंदे ने कि रंगला पंजाब, कि बन गया साडा पंजाब। ये पूरी कहानी दसण दा मतलब यह है कि भगवंत मान जी दे मुख्यमंत्री बनन तों बाद जज्बात किवें बदल गए। पंजाब दे हालात वेखो, नशे च बर्बाद हुंदी नौजवानी दियां किन्नियां घटनावां सामने आ चुकियां ने। पहलां वी आउंदियां सी ते हुण वी कोई सुधार नहीं है। विगड़दी कानून व्यवस्था दा हाल किसे तों लुकिया नहीं। सिद्धू मूसेवाला दा कतल ते फिर इस हाई प्रोफाइल केस दा मुलजम गैंगस्टर टीनू फरार हो गया, ते फिर उत्तों तुहाडे मंत्री उस छोटी मोटी घटना दसदे ने। नहीं कोई नहीं, ओह तां मतलब इलाज करवाउण वास्ते गए सीगे, पर इदां दी कोई गल नहीं कि जे कोई छोटी मोटी घटना हुंदी है, पर असीं मतलब जिहड़ा बिलकुल इस चीज़ दे, मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा कि असी मतलब पंजाब दे अंदर अमन कानून दी जिहड़ी स्थिति है, जिहड़ा भी बंदा खिलाफ करन दी कोशिश करूगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਬੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।